व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे हक्का नूडल्स जो कि बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी होगी। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में हम घर में बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हाफ के जी मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन और इसको ये देखें छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लिया है। सोया सॉस मेरे पास है हाफ टेबल स्पून, ऐड कर देंगे। सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास नमक है 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर क्रश की हुई ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे लेकिन इनका मैं पाउडर बनाऊंगी। ये देखें तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून ले ली है काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद 1/2 टीस्पून, 1 बादियान का फूल, इतना सा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का और ये मेरे पास तकरीबन है 5 लौंग। इनका हम अच्छे से इनको पीस लेंगे और इसका एक पाउडर तैयार कर लें। ये देखें ये मसाला हमारा पीस के रेडी हो गया है और ये मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेते हैं। अब ये देखें व्यूअर्स 15 मिनट हो गए हैं, हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ऑयल गर्म हो गया है, बहुत अच्छे से गर्म हो गए और आंच मैंने इसकी फुल भी रखी हुई है, हम फुल पे ही इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और तेज आंच पे हम चिकन को, जैसे ही इसको लाइट गोल्डन कलर आएगा फिर हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। गल तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गया हुआ है तो क्योंकि हमने इसको 15 मिनट मैरिनेशन पर रख दिया था। जब चीज़ को मैरिनेट कर लें तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर से गल जाती है और फिर जो जूसी और टेंडर रहेगा हमारा चीज़ गोल्डन कलर आने तक हम इसको पका लेते हैं। तो वो सॉस हम रेडी कर लेते हैं। ये देखें 1/2 कप मैं ले रही हूँ वाटर का, ये 1 कप था, मैंने 1/2 कप प्लेन वाटर लिया है। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ट्विस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून, चिली सॉस है जो हम सूप में डालते हैं तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है इसका लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो ये बन गई हमारी गार्लिक चिली सॉस। ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब आप इसको मिक्स कर लें, ये एक मज़ेदार सॉस रेडी हो जाएगी हमारी। ये जितने देखे ना इसके ये जो अंदर इसकी रह गए ना गुठलियाँ से, ये हमने सारी अच्छे से प्रेस करके सही सॉस स्मूथ सी सॉस बना लेनी है। देखें फॉर्क की मदद से मैंने जितनी भी थी इसके अंदर छोटे छोटे लम्स थे बड़े बड़े वो मैंने सारे अच्छे से बिठा लिए। जो थोड़े थोड़े रह गए ना तो इसका कोई नहीं, सॉस जब डाल लेंगे ना स्पैगेटी में तो अच्छे से ये भी सारे मिक्स हो जाएंगे। चल ये सॉस हमारा रेडी हो गया, हम अपना चिकन देख लेते हैं चिकन हमारा गोल्डन कलर में आया है कि नहीं। अब ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह चिकन भी हमारा गोल्डन कलर में आ गया है। हमें यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा कलर में हमने नहीं इसको लाना, वो भी ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना जूसी और कितना टेंडर हो गया। चलें जी अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं और ऑयल हम इसी में रहने देंगे, बाकी की नूडल्स हम इसी में बनाएंगे। चलो इसको मैं प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। चिकन जो है वो मैंने सारी इसमें निकाल ली है प्लेट में। उसी ऑयल में हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट है, ये फ्रेश है, तकरीबन 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून ही लहसुन पेस्ट है और ये मैंने तकरीबन 2 ले ली थी सब्ज़ मिर्च और ये बन जाती है 1 टीस्पून। तो इनकी मैंने हल्का सा इसको पीस लिए है, पेस्ट बना ली है इसकी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका टेस्ट जो है जले की तरफ जाएगा। बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, कच्चा पन इसका दूर करेंगे हम। मैंने नूडल्स की और भी बहुत सी वराइटीज़ में बनाया हुआ है नूडल्स को, तो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको बहुत में वैरायटी मिलेगी। ये कुछ सब्जियां जाएंगी, सब्जियों में शिमला मिर्च मैंने ली है 2 बड़ी शिमला मिर्च ले ली थी और इसको ऐसे स्लाइस में काट लिया है। 1 बड़ी गाजर है जो कि मैंने ऐसे भरी स्लाइस में काट लिया है।
एक मैंने बंद गोभी ली है बड़े साइज की, उसको मैंने से स्लाइस में काटा है। और ये मेरे पास हरी प्याज है जो कि मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में काटा है। आप चाहें तो आप गुलाई में भी काट सकते हैं और अपनी मर्जी के भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा देर आपने सब्जियों को नहीं पकाना वरना वो फिर क्रंची नहीं रहेंगे, हमने क्रंची ही रखना है। अब हम वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, जो हमने पेस्ट हमने बनाया था अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का, उसको हल्का सा आयल में फ्राई किया और उसके अंदर मैंने अब ये वेजिटेबल डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि फिर वो क्या होगा हमारी जो है सब्ज़ियाँ वो फिर जूसी नहीं रहेंगी, काफ़ी सॉगी हो जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। ऐसे आप इसको हिलाते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। आप चाहें तो आप इसको टॉप भी कर सकते हैं, बस हल्का सा इसका कच्चापन हमने दूर करना है। और आप यकीन करें जब आप इसको हल्का सा ऐसे फ्राई कर लिया करें तो इसका दुगना टेस्ट हो जाता है सब्जियों का। कच्ची सब्जियां डालने की बजाय अगर आप ऐसे इसको करते रहेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इतना हम इसको करना है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये नूडल्स मैंने बॉईल कर लिए, मैं अब इसके अंदर ऐड करती हूँ मिक्स करती हूँ। मैंने सब्जी में नूडल्स ऐड कर दी हैं, अब इसके अंदर हम ये जो हमने सॉस रेडी की थी ये इसके अंदर डालेंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सब्जियों के साथ। ये देखें मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, नूडल्स में मैंने सब्जियाँ अच्छे से मिक्स कर दी है, सॉस भी अच्छे से मिक्स कर दी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, चिकन को मिक्स कर लेंगे प्याज से। आप उठाते जाएं और मिक्स करते जाएं, सिर्फ मज़ीद हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे हाई फ्लेम पे भी। अच्छा, अगर आप नमक में ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से नमक में डाल सकते हैं, बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं सेम ही रहेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको पका लेते हैं। और देखें 2 मिनट हो गए मुझे इसको मज़ीद पकाते हुए। और ये मेरे पास है तिल का तेल, थोड़ा सा डालना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसको मिक्स कर लेना बस ये खुशबू के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, हक्का नूडल्स बनके हमारी रेडी हो गई हैं और ये बहुत मज़े की, बहुत यम्मी बनी है। और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इजी मेथड से बताऊं ताकि हर कोई घर में आसानी से बना ले, और घर में साफ़ सुथरी हमने बनाई है। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।